दोस्तों नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। अब तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट है मामला एमपी टेट वर्ग एक वर्ग दो पात्रता परीक्षा अनुत्तीर्ण कैंडिडेट जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से एमपी टेट का चयन परीक्षा दिए हैं। मान लीजिए उस परीक्षा में वो उत्तीर्ण होते हैं, रिजल्ट चूँकि आने वाला है और उस रिजल्ट के पहले यहाँ पर जो फेल कैंडिडेट थे यानी 40 और 50% जिनके नंबर थे यानी कि जो रिजर्विड कैटेगरी है उसमें 60 नंबर, अनरिजर्विड कैटेगरी के जो जनरल के कैंडिडेट थे परीक्षार्थी थे उनको 75 नंबर थे और कोर्ट के माध्यम से जिन्होंने परीक्षा दी थी उनको यह वीडियो जरूर देख लेना चाहिए क्योंकि अब यहाँ पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर का एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है, एक खबर है जिसमें सभी याचिकाओं को वर्ग एक दो की खारिज। यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी बताएंगे। अब तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट है मामला एमपी टेट वर्ग एक वर्ग दो को लेकर है। वर्ग एक वाले जो अभ्यर्थी थे, कैंडिडेट थे, परीक्षार्थी, उन्हें पात्र परीक्षा देने वाले अनुत्तीर्ण यानी 40-50% का जो मैटर यहाँ पर चला था जिसके माध्यम से बहुत से लोगों ने कोर्ट के माध्यम से WP नंबर हासिल करके परीक्षाएं दी, चयन परीक्षा की और उस परीक्षा को देने के बाद अभी जो है मामला पेंडिंग में है। लेकिन वो यहाँ पर अभी वर्तमान में एक लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर आया है कि वर्ग एक वाले जो अभ्यर्थी की पात्रता परीक्षा देने वाले अनुत्तीर्ण अभ्यर्था याचिका WP नंबर 13/2/93 इंदौर खंडपीठ में लगी हुई थी। इंदौर खंडपीठ से खारिज करके यहाँ पर जबलपुर पे भेजा गया था। जबलपुर में भी यहाँ पर देखिए इंदौर में याचिका लगी, इंदौर से इसको यहाँ पर डिस्पोज किया गया आपके जबलपुर में। तो यहाँ पर देखिए पूरा मामला समझिएगा, जो लोग परीक्षा दिए और उत्तीर्ण हुए उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए रिजल्ट आने के बाद, तो यहाँ पर देखिए उनके लिए ये मत समझे कुछ अच्छा होगा क्योंकि ये 40-50% वाला जो मामला है यानी कि सीधे तौर पर 60 नंबर और यहाँ पर 75 नंबर यहाँ पर जनरल के लिए और SC ST OBC के लिए EWS 60 नंबर जो एमपी टेट वर्ग एक का हुआ था, वर्ग दो का हुआ था, उसमें अगर वो सोच रहे हैं कि याचिका उन्होंने लगाई है तो उनको मिल जाएगी, तो इसको यहाँ पर देख लीजिए। देखिए मध्य प्रदेश की इंदौर बेंच द्वारा याचिका क्रमांक यहाँ पर दिया हुआ WP नंबर जो है 13/2/93 दिनांक 16/6/2023 है को खारिज कर दिया है। वर्ग एक शिक्षक भर्ती परीक्षा में 40-50% अंक पाने वाले अभ्यर्थियों के द्वारा याचिका दिनांक लगाई गई थी 5/7/2023 को, 5/7/2023 को याचिका लगाई थी, इंदौर खंडपीठ में दायर किया था, परंतु यह याचिका क्रमांक WP नंबर 13/2/93 को जस्टिस सुबोध अभ्यंकर ने जबलपुर बेंच में ट्रांसफर कर दिया। अब ब्रांच रजिस्ट्रेशन नंबर 10/6/69 दिनांक 18/7/2023 को हेयरिंग नंबर जो है 983/23 दिनांक 19/7/2023 को प्रिंसिपल सीट जबलपुर से ऑर्डर कर डिस्पोज की गई व खारिज की गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मामला इंदौर खंडपीठ का था और इंदौर खंडपीठ में इसको यहाँ पर WP नंबर दिया गया, उसको ट्रांसफर किया गया जबलपुर में और जबलपुर में जितनी याचिकाएँ लगी हैं सभी की लगभग खारिज कर दी गई थी। और ये लेटेस्ट अभी वर्तमान का अपडेट आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए इसको भी जबलपुर की तरफ से यहाँ पर खारिज किया गया है। वहीं वर्ग एक की सभी याचिका में कोर्ट ने यहाँ पर देखिए खारिज कर दिया है, उसी प्रकार वर्ग दो की याचिका भी स्वतः ही खारिज मानी जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इम्पोर्टेंट अपडेट है उनके लिए जो परीक्षा दिए चयन वाली वर्ग एक की और उसमें उत्तीर्ण हो गए, लेकिन वो सोच रहे हैं कि हम जो है उत्तीर्ण तो हो गए, पास हो गए, हमारा सिलेक्शन होगा, तो उनके लिए यहाँ पर देखिए पेंडिंग मामला था, परीक्षा भले दिया उन्होंने लेकिन उनका केवल पैसा बर्बाद हुआ है, उनको कुछ हाथ नहीं लगेगा ये आप जान लें, क्योंकि 40-50% का जो नियम अगर उनको पहले ही सोचना चाहिए था। देखिए कि 40 और 50 का अगर नियम बनेगा तो उसके लिए जितने भी कैंडिडेट उस क्राइटेरिया में आएंगे यानी जो 40 नंबर होगा 60 है 40% होगा तो 60 नंबर होने चाहिए थे जो रिजर्विड कैटेगरी है और अनरिजर्विड कैटेगरी जो जनरल के कैंडिडेट हैं उनके लिए 75 होना चाहिए थे यहाँ पर, तो 50%। तो यहाँ पर देखिए उसको यहाँ पर अब सीधे तौर पर याचिकाएँ जो थी WP नंबर को ही हटा दिया गया, खारिज कर दिया गया, जो परीक्षा दिए हैं उनके लिए भी यही सिस्टम जल्द ही आएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है जानकारी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट और नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दें।
धन्यवाद।